किसान भाइयों नमस्कार। आज आपको गर्म इलाके में आड़ू की खेती के बारे में कुछ जानकारी साझा करेंगे। यहाँ हिमाचल के गर्म इलाके में हमीरपुर जैसे क्षेत्र में जहाँ टेम्परेचर गर्मियों के दिनों में 42 डिग्री तक चला जाता है और कोहरे का भी प्रभाव सब जगह देखने को मिलता है इस गर्म क्षेत्र में, तो यहाँ के लिए कौन कौन सी फसलें अच्छी हो सकती हैं, जिनमें से एक आड़ू की एक ऐसी फसल है कि जिसको किसान भाई बहुत ही अच्छे तरीके से एक व्यावसायिक रूप में अपना सकते हैं। जहां जिनके पास थोड़ी जगह भी है, अगर लैंड होल्डिंग जोत का कार 2 बीघे 4 बीघे भी है और पानी की व्यवस्था बहुत कम है, तो वाटर हार्वेस्टिंग से पानी का केवल दो महीने मात्र के लिए अगर व्यवस्था करें तो अप्रैल और मई के मध्य तक आड़ू की फसल बहुत अच्छी ले सकते हैं आप। और इस क्षेत्र के लिए जो हमने यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो किस्में लगाई थी, इनमें आर्ली ग्रांडे बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है बहुत अच्छी तरीके से, सान पंजाब भी जो थोड़े दिनों के बाद पकने को आ जाएगी, फ्लोरिडा सन भी और प्रताप भी, तो इस प्रकार की जो किस्में हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। हमने देखा कि सर्दियों में ही केवल यहाँ पर या जो आड़ू के किसान हैं वो खेती करते हैं, वो केवल सर्दियों में ही प्रूनिंग करते थे, लेकिन यहाँ हमने देखा कि समर प्रूनिंग करने का प्रभाव बहुत ही अच्छा है, जिससे फलों का आकार और उसमें मिठास और गुणवत्ता और पैदावार बहुत बढ़ती है। और ये देखा कि अगर जून के मध्य तक अगर आप समर प्रूनिंग करते हैं और जितनी ग्रोथ है उसका 50% आप कट करते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ आगे के लिए मिलती है। और हमने पिलर सिस्टम पे अपनाया हुआ है और कहीं कहीं ट्रेलिस सिस्टम, दूसरा परपेंडिकुलर वाइज सिस्टम भी लगाया दो तनों पे। तो अगर ये जो आर्ली ग्रांडे वैरायटी है ये इस टाइम आप देख रहे हैं कि पकने को तैयार है और बेचने के लिए तैयार है, तो इसकी अच्छी आमदनी किसान ले सकते हैं, जो कि रेडी पे इस टाइम जो रेट है 100 रुपये के आसपास है। तो अगर 40-50 रुपये भी अगर आपके पास से जाता है तो बहुत अच्छी पैदावार देती है। प्रति पौधा की जो ये तीसरे साल के पौधे हैं तो इसमें लगभग हमने देखा कि लगभग जो इसमें उपज देख रहे हैं इस बारी तो 20 किलो 22 किलो 25 किलो के आसपास प्रति पौधा निकलेगी। और 2x2 मीटर पे हमने इसकी स्पेसिंग पे 2 मीटर लाइन टू लाइन की या 2 मीटर पौधे से पौधे की दूरी हमने पे ये सारा बगीचा लगाया हुआ है और इसमें अलग अलग वेराइटियाँ लगाई हुई। तो ये सब समर प्रूनिंग का बहुत विशेष महत्व देखा हमने। और केवल 2 महीने की फसल है क्योंकि आप इस बार तो सूखे की परिस्थिति रही तो इसलिए एक हफ्ता पहले आ गई, अन्यथा ये फसल प्रथम सप्ताह में आर्ली ग्रांडे पक करके आती थी, फिर उसके बाद हमारे पास फ्लोरिडा सन आएगी, फिर आर्ली सन पंजाब आती है, फिर प्रताप पकती है, फिर इसी के साथ नेक्टरिन की बहुत अच्छी यहाँ पर संभावना देखी गई है। तो किसान भाई इसको व्यवसाय स्तर पर अपना सकते हैं और पानी की व्यवस्था जहाँ कम है उसको भी ये ध्यान में रखते हुए इस फसल का लाभ ले सकते हैं। और बात रहती है कि इसके तोड़ने की और इसकी पेरिसिबिलिटी है क्योंकि ये जल्दी मार्केट में ख़राब हो जाती है। तो इस जो इसमें अगर देखें आप आर्ली ग्रांडे का देखें, अगर तरह की आपके इसके ऊपर कलर डेवलपमेंट हो जाता है तो तोड़ने के लिए बहुत उचित है इसमें मार्केट में, ताकि ये आराम से टिक जाएगी। जब इसका जो कलर है वो पूरा का पूरा मिल जाता है, ये बिल्कुल तैयार होगी या 2 दिन में ख़राब हो जाती है। तो तोड़ने के लिए बहुत सही तरीका किसानों के लिए है कि जब तक के पूरे पैच जो है अलग अलग है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसका साइज बहुत अच्छा है, जब इस तरह का पूरे अगर फ्रूट पे पूरा एक कलर बन गया तो वो उसमें जो है वो अच्छी टाइम नहीं है मार्केट के लिए, दूर दूर के मार्केट में नहीं पहुँच सकता है फल, तो आपको ये ध्यान देना होता है। और तोड़ने का सही समय तो होता है शाम के 3-4 बजे के बाद तोड़े और सुबह जो मार्केट में पहुँच जाए जा करके। तो ये इसकी एक आप खूबी सब्जी है कि ये तोड़ने के बाद इस तरह से आप शाम को तोड़ते हैं सुबह मार्केट में पहुंच सकते हैं, अन्यथा अगर आप दिन में सुबह तोड़ते हैं तो शाम को मार्केट लेते हैं दूसरे दिन लेते हैं तो उसमें जल्दी फल खराब होते हैं। आपको आड़ू में समर प्रूनिंग का क्या महत्व है उसके बारे में और उसके द्वारा किस तरह की फलन आती है इसके बारे में आपको आज जानकारी देंगे। और समर प्रूनिंग या विंटर प्रूनिंग दो तरह की प्रूनिंग करते हैं, सामान्यतः पूरे प्रदेश भर में और देश भर में विंटर प्रूनिंग करते हैं जो सर्दियों में करते हैं हम, जब पत्ते झड़ जाते हैं तो उसका एक अपना महत्व है, उसके बाद जो फलन आती है।
इसमें फरवरी मार्च में फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, उसका एक अलग महत्व है। लेकिन वो है सर्दियों के क्षेत्र में जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है या ठंडा क्षेत्र है, जहाँ गर्मी के इलाका है वहाँ पर आड़ू की खेती करनी है अगर और सफलतापूर्वक अच्छी फलन लेनी है, अच्छी पैदावार लेनी है, अच्छी गुणवत्ता लेनी है और बढ़वार कम रहे पौधे की, ये भी एक हमारा एक उद्देश्य रहता है, तो उसके लिए आपको गर्मियों में कहीं न कहीं कोई व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है। तो उसके लिए समर प्रूनिंग करते हैं, अन्य देशों में प्रूनिंग इस तरह की करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरह की अभी इतना ना व्यावसायिक स्तर पर खेती है ना उसमें इसका ज़्यादा अडॉप्शन है, तो ना इसके लिए तकनीक ज़्यादा किसानों के पास उपलब्ध है। तो इसके लिए समर प्रूनिंग करने के लिए क्यों करनी है, क्योंकि पौधे की बढ़वार अगर देखें आप तो आड़ू के पौधे की 40, 45, 50 सेंटीमीटर बढ़वार चाहिए होती है हमें। तो ये अगर गर्मियों में यहाँ पर देखें हमीरपुर जैसे इस क्षेत्र में, नेरी क्षेत्र में, तो यहाँ पर पौधे की बढ़वार अगर टॉप देखें तो 2 से 2.5 मीटर तक पौधा जो है टॉप इसका चला जाता है, और इससे अगर 2.5 मीटर अगर आप इतना रखेंगे तो हम लकड़ी पैदा करेंगे और सारा का सारा जो बियरिंग एरिया है वो आपने देखा होगा कि जो फल नीचे से शुरू होने चाहिए लगने, वो फल केवल ऊपर 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 पहुँच जाते हैं जा करके। उसका यही कारण है कि हम कहीं न कहीं पौधे की बढ़वार नहीं रोकते हैं और बढ़ते जाते हैं और उसका फलन के एरिया ऊपर ले जाते हैं। तो सर्दियों में, गर्मियों में हमें प्रूनिंग करने की आवश्यकता है। उससे क्या होगा कि पत्तियां तो कटेगी या ग्रीन भाग जो कट जाएगा उससे ग्रोथ रुकेगी, उसका भोजन कम हो जाएगा पौधे का और उससे ग्रोथ रुकती है, और उस रुकने से ये होता है कि साइड सूट निकलने शुरू होते हैं। मान लो जैसे आप देख रहे हैं कि ये इतना सा 30-35-40 सेंटीमीटर इस तरह की ग्रोथ है, ये बहुत उपयुक्त है, ये इसको हम प्रूनिंग नहीं करेंगे। प्रूनिंग कहाँ करेंगे, जहाँ इस टाइप के सूट है, या आपको कहीं पर देखने लगता है कि आपके 2-2.5 मीटर तक अभी तक मई के महीने में अप्रैल में ही चले गई या और ये जा कर के 2.5-3 मीटर तक की ग्रोथ होगी, तो अगर हम इसको रखेंगे तो ये पौधा बहुत ऊपर चला जाएगा और सारी की सारी एनर्जी, सारा सारा इसकी खाद खुराक सारी इसकी ऊपर चले जाएगी। जब हम इसको मान लो समर प्रूनिंग के समय काट देंगे, तो काटने का भी ये नहीं है कि आप इतने ही, कहीं देखते हैं कहीं प्रूनिंग करने को कहते हैं कि आप प्रूनिंग करें समर प्रूनिंग, तो किसान जो है इतना थोड़ी सी भाव काटता है, उसका नहीं है, उसका कम से कम भी 50% से 60% तक आपको काटना है। अब क्या होगा कि इस तरह की जब टहनियाँ होगी तो इसमें अलग अलग से सूट आएंगे निकल के, इस तरह की टहनियाँ निकलेंगी इसमें और ये पूरा का पूरा बियरिंग एरिया बनेगा, और इसका फ्लो जब नीचे आएगा तो इसमें भी आप देखेंगे कि इस तने पे भी आपको फल लगने का पूरे के पूरी टहनियाँ निकलती मिलेंगी आपको, ये सब की सब आपके उसमें फल लेंगी सर्दियों में। इसकी प्रूनिंग करेंगे और इनके ऊपर यहाँ से जब 6-8 वड पे प्रूनिंग करेंगे सर्दियों में तो ये पूरा का पूरा भरा हुआ मिलेगा आपको। तो ये समर प्रूनिंग गर्म इलाके के लिए, जहाँ हिमाचल प्रदेश का जो गर्म इलाका है वहाँ पर आड़ू की खेती करनी है, तो समर प्रूनिंग करने से बहुत अच्छी पैदावार किसान ले सकते हैं और इसकी बहुत आसान तकनीक है और इससे बढ़वार रोक करके उसकी खाद का सदुपयोग कर सकते हैं, उसकी बढ़वार का सदुपयोग कर सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता ले सकते हैं और अच्छे साइज का और अच्छे कलर का फ्रूट आपको आड़ू में मिलेगा। जो आड़ू की बात जहाँ आती है तो केवल 2 महीने की फसल है और इसमें जब बहुत ज़्यादा प्रूनिंग के अलावा, सर्दियों की प्रूनिंग और गर्मियों की प्रूनिंग के अलावा बहुत मेजर ऑपरेशंस नहीं होते हैं, 1 या 2 स्प्रे इसमें रहते हैं, तो इसको किसानों को इस खेती को अपनाना चाहिए और समर प्रूनिंग अवश्य करनी चाहिए। और समर प्रूनिंग करने का समय क्या रहता है कि 15 जून के आसपास जो भी आप समर प्रूनिंग इस एरिया में करेंगे तो उसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और उसके बाद 2.5 महीने पौधे को ग्रोथ के लिए मिल जाते हैं, जिससे सूट निकलते हैं, तो 2.5 महीने में इतने इतने सूट निकल जाते हैं और ये बियरिंग के लिए एरिया बन जाता है पूरा, और पूरा पौधा आपको भरा हुआ मिलेगा, पौधे का साइज छोटा रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और अच्छी एक आपको ईल्ड मिलेगी, अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी, अच्छी आपको पैदावार मिलेगी। तो इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है सबको। आप देख सकते हैं किस तरह की फलन है इसमें, हालांकि पिछले साल एक कोरोना के समय बढ़वार हो गई थी, फिर भी ये कुछ चेक करने के बाद आपको देख रहे हैं कि इस एरिए में एक थोड़े से समय में ही तीसरे साल के जो पौधे या तीसरे साल 3 साल के पौधे हैं, तो इनमें अच्छी पैदावार हम देख रहे हैं इस बारी।